फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में सीलिंग फैन जब हमारा आवाज करने लग जाए या फिर बंद हो जाए तो कितनी परेशानी हमको हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीलिंग फैन है जो कि बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है और कई बार तो ये रुक भी जाता है। तो इसकी आवाज को हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। एक रुपए की भी लागत नहीं आएगी। दूसरा ये है कि आपको सीलिंग फैन खोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसकी आवाज़ को बंद कर सकते हैं और अपने पंखे को बिल्कुल साइलेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जिस सीलिंग फैन की हम बात कर रहे थे वो सीलिंग फैन आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। तो यहाँ पर हम जब इसको चला रहे हैं तो आप देखें ये चल नहीं रहा है, हमिंग की आवाज़ आ रही है, लेकिन हम इसको हाथ से घुमा देंगे तो चलने लगेगा और बहुत ज़ोर की आवाज़ कर रहा है। तो अब इस आवाज़ को हम बिना बैरिंग बदले कैसे सही कर सकते हैं, एक भी रुपए की लागत नहीं आएगी। और इमरजेंसी में मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है और आप खुद ही कार्रवाई करना चाहते हैं तो भी आप इस आवाज़ को बंद कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना होगा। अगर आपके 100 वाला पंखा है जिसमें नीचे पेच लगा हुआ होता है तो बहुत ही अच्छा है, इसकी आवाज़ बहुत ही जल्दी आप बंद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है नीचे वाले बेरिंग से आवाज़ आती है, तो अगर उसमें 100 है तो 100 को हटा के उसके जो सुराख होता है पेच वाला, इसके थ्रू आपको क्या करना है, ऑयल लेना है साफ़ वाला ऑयल और इस सुराख में से हल्के हल्के से आपको डालना है 5 से 7 बूंद, मतलब इसमें डाल देना है आपको इस तरीके से। और इसमें जब चला जाए तो इसको थोड़ा सा घुमा दें आप, और आप यहाँ देख सकते हैं, और इतना ही ऑयल ऊपर वाले बेरिंग में आपको डालना है और इसको हल्के हल्के से घुमाते रहना है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले बेरिंग में भी हल्का सा ऑयल डाल देंगे। बेहतर तो ये होता है कि इसमें ग्रीसिंग की जाए खोल कर, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप बाहर से ही बंद करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी ये आवाज़ बंद हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम इसको घुमा रहे हैं, लेकिन अभी ये टाइट है। जब ऑयल बेरिंग की गोली तक पहुँच जाएगा उसके बाद इसकी आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लगभग आवाज़ कम हो गई है और पंखा भी हमारा फ्री सा हो गया, पहले टाइट घूम रहा था। अब हम इसको चलाएंगे सीरीज से ही, पहले भी सीरीज से चला रहे थे, अब भी सीरीज से चलाएंगे और देखेंगे इसकी आवाज़ को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं वायर को लगा लेता हूँ, एक वायर फिक्स कर लेता हूँ इसमें और फिर हम चलाते हैं इसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हमें आ रही है, इस तरीके से हम इसको चलाएँगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सीरीज में ही चल गया है, पहले नहीं चल रहा था लेकिन अब चल गया है, क्योंकि बेरिंग बहुत ज़्यादा जाम थे। उनकी जब ग्रीसिंग सूख जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है। आप भी साफ और बढ़िया वाला ऑयल डालकर इसकी आवाज़ बंद कर सकते हैं, बिना बेरिंग बदले, बिना पंखे को खोले। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इसकी आवाज़ को बंद कर सकते हैं। इसमें कंडीशन होती है, अगर इसकी सीट कटी हुई है या फिर बेरिंग ज़्यादा खराब है तो उस कंडीशन में ये आवाज़ हो सकता है बंद नहीं हो, लेकिन बेरिंग जब सूख जाता है, उसकी ग्रीसिंग सूख जाती है, तो उसमें ऑयल डालने से ये क्या है कि चल जाता है। लेकिन ये भी क्या है कि कुछ टाइम के लिए चलता है, जैसे ही गर्म होगा पंखा, मतलब कुछ महीने या 2 महीने बाद फिर वापस से आवाज़ करने लग जाएगा। बेहतर यही है कि इसमें आप ग्रीस डालें और इसके बेरिंग वगैरह चेंज करें और पूरा खोल कर देखें, वो परमानेंट सिस्टम है। अगर आप इसको इमरजेंसी में करना चाहते हैं तो इसमें ऑयल टपका कर और कुछ दिन के लिए आप इसको सही कर सकते हैं, इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको चाहिए इसमें ग्रीस डालें या फिर इसके ब्रेक बैरिंग चेंज करें या फिर सीट कटी हुई तो इसकी सीट बनवाएं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।